सत श्री अकाल जी, ई बायोकेयर विच तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडा अपना डॉक्टर जसविंदर सिंह MD इलैक्ट्रोपैथी मेडिसन। तो अज आपां गल करांगे ऑटिज़म बीमारी की है ते इहदे लक्षण की हुंदे आ। ऑटिज़म बीमारी नूं जे सीधे अल्फाजां विच कहा जावे तो जिहड़े मंदबुद्धि बच्चे आ उहनां नूं आपां ऑटिज़म दा शिकार जां पीड़ित मन सकदे हां। इस तों इलावा जिहड़े कि इह लड़कियां दे नालों लड़कियां दे विच 99% ज़्यादा बीमारी पाई जांदी आ। तो जिहड़े भी बच्चों ऑटिज़म हुंदी आ उन्हां दे मापे बेहद ज़्यादा परेशान रहिंदे, परेशानी का उन्हां नूं सामना करना पैंदा। आपां गल करदे हां कि ऑटिज़म दे लक्षण की आ, किहड़ी चीज़ तों पहचानिया जावे कि साडे बच्चे नूं ऑटिज़म की बीमारी हैगी आ। तो ऑटिज़म के बहुत सारे लक्षण उदां पाए जांदे आ। कई बच्चे हुंदे कि जिहड़े पूरे दिमागी तौर पर विकसित नहीं हुंदे उन्हां नूं आपां मन सकते हैं कि ऑटिज़म तो यह पीड़ित हैगे ने। उस तो अलावा ये बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं, गुस्सेखोर होंगे ने, तो उन्हां तों भी जिहड़ा हैगा ये पता लगता कि ये ऑटिज़म का शिकार ने। कुछ बच्चे इको ही चीज़ नूं बार बार रिपीट करते रहिंदे ने, जिहड़ी मन च गल जिहन च बह गई उन्हूं रिपीट करी जाना, इस तों भी पता लगता कि वह ऑटिज़म का शिकार आ। इस तों अलावा वह बच्चे भी हुंदे ने कि जिहड़े खाण पीण तों असमर्थ हुंदे ने, वो खाण पीण तो उन्होंने पता नहीं लगता, इतों तक कि यूरिन स्टूल तक का भी उन्होंने पता नहीं लगता। बहुत सारे साढ़े को पेशेंट आते जिन्हें बच्चे एक सॉयलड चीज़ नहीं खाते, लिक्विड, तो उन्होंने मापे उन्होंने दे देंगे, ये भी एक संकेत आ कि वह ऑटिज़म तो पीड़ित है। अगली जो गल करिए तो उन्होंने सौण का कोई समा नहीं, उठन का कोई समा नहीं, वो इन्नी ज़्यादा नठ भजाई चिड़चिड़ेपन च गुस्सेखोर रेंदे कि मापे उन्होंने तो सदा वास्ते परेशान रेंदे। होर भी बहुत सारे इन्होंने लक्षण पाए जाते हैं, पर आप अगली वीडियो डिस्कस करांगे कि ये ऑटिज़म बीमारी क्यों हुंदी आ ते इहदा इलाज की है। धन्यवाद।